तो फ्रेंड सिरोही से आया है सैम। सैम एक लेब्राडोर है और हॉस्टल पर आया है। कहाँ है? अंदर ही है अभी तक। वाह ठीक है, एक मिनट रुको रुको रुको, इसको इसको वहाँ भेजते हैं। इसको टॉमी को लेके जाओ यहाँ से। और तो की नहीं है, निकालो निकालो, गर्मी लागे लाइन है। हाँ निकाल दो। ये चैन यहीं खोल के रख लो अंदर वापस। अरे ये अंदर आ जाएगा, चैन खोल दो, चैन खोल दो, सीधा अंदर ही आएगा, इसको स्मेल आ गई मेरी। अरे हाँ हाँ रुक तो जा, तड़प रहा अंदर आने के लिए, तड़प। ये कितने टाइम पहले आया था ये? आ जाओ अंदर आ जाओ। कितने टाइम पहले आया था ये? ये एक्चुअली विस्की के साथ रहने वाला डॉग है ये, विस्की के उसके लिए। आप आ जाओ इधर। एक्चुअली चैंप है, मैंने अपने फोन में सैम डाल दिया था तो सैम का ही याद रह गया। ये दो साल पहले आया था शायद हॉस्टल पर और ट्रेनिंग पर उस समय सिरोही से, और अब आया है हॉस्टल पर। अब एक महीना इधर ही रहेगा, ओनर वहाँ कहीं काम से जा रहे, तो ये वन मंथ ही हॉस्टल पर आया। अभी नॉर्मल मिल लिया है इन डॉग से, तो ये सब आगे रखे हुए हैं। और अब इसमें ये फर्क पड़ा है कि ये भी कोई नया डॉग आता है तो स्मेल करने आती है लूसी, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा ही डर रही थी, इधर भाग जाती। इसको अनलिस कर देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, फाइट नहीं करेगा। फ्रेंड्स ये देख रहे हो, जब हम सैम को रिसीव कर रहे थे तो ये गेट बंद था और इसने कल खाना खाया तो नहीं था, और आज इसने क्या किया, सारे अंडे, इसमें से कम 12 से 15 अंडे थे जो डबल में थे, वो पूरा खा गई है अंदर बैठे बैठे, पूरा का पूरा। और हम लोग उसको रिसीव करने में ही लगे हुए, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ दूसरे डॉग को क्या देंगे। जब हम चैंप को रिसीव कर रहे थे तब देखो पीछे इसने अंडे के वो जब बना हुआ था गैस के ऊपर चढ़ चढ़ के एक एक अंडा निकाल करके खा लिया। इस रूम में हमने बहुत सारे डॉग्स को रखा है, हमने अनलीज ही रखते हैं ज़्यादातर हम डॉग्स को, तो अनलीज रखने पर हमें ये पता नहीं रहता कि डॉग्स फूड के लिए ऐसा ऐसा भी करते हैं, लोगों के घर पर करते हैं, लेकिन इसने पहली बार हमारे यहाँ भी ये करके दिखाया है। फ्रेंड्स अंडे फिर से वापस उबालने पड़े हमें, और आज देंगे डॉग फूड जो कि ये है पेडिग्री पपी, बॉयल एग प्लस सोयाबीन वाले चावल। ठीक है मोश करके तीनों को मिलाना है आपस में। फ्रेंड्स अब इसे मिलाने जा रहे हैं। अरे तुम क्या बीच बीच में आ रहा है? फ्रेंड्स इसे मिलाने जा रहे हैं सबसे। आते ही इसने अभी अभी भी दो हमले किए थे टॉमी पर, टॉमी से झगड़ ले रहा था और बेल्ट इतना लूज था कि गले से भी निकल जा रहा था। अब इतना को देख के डर गया है, बाकी उससे तो फाइट करने का सोच रहा है बेचारा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, स्मेल करने आ रहा तो भी फाइट करने जा रहा है। ये चैन अब इतना को देख के डर गया। हाँ
चलो अंदर चलो, चलो शैम चल आजा शैम। शैम अब पहली बार इस तरफ आएगा, सिर्फ वो वहाँ बैठी है, वैसे उसने खाना खा लिया है। एक चैम वन दोनों वास्ते ले जाओ, चैम पर वास्ते भी ले जाओ, चैम तो आएगी। चलो चलो चैम। चैम के लिए भी वहाँ एक तरफ रख दे, आज सबको खाना पसंद आएगा। ले चैंप इधर, ले चैंप। इसको भी खिला, वैसे आज लक्की चला जाएगा। वो खा रही है वहाँ, खा रही है क्या वो? इसको हम बस कहाँ रखा, गेट वहाँ रखा है। निकाल ले, कुछ नहीं होता। सबको खिला रहे, किसी को मत बचाओ, सबको खिलाओ। कुंदर डाल दिया है और अब आया है बाड़मेर से, इसका नाम था गुल्लू, गुल्लू दादा। लैब्राडोर है, मेरे हॉस्टल में, पुराने वाले हॉस्टल में पहले भी आ चुका है। इसको उधर लेके जा, एक सेकंड, वो वहाँ पार हो जाए फिर। लो आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। हाँ अब छोड़, लेट बहुत लाए, जस्ट अभी खाना को ख़त्म किया है, इतना लेट कैसा है। तो अब गुल्लू को मिला रहे हैं बाहर वाले डॉग से, ये बाड़मेर से आया है। ये भी बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड है और बहुत परेशान करेगा मेटिंग के चक्करों में। बस हाँ बोल रहा हूँ, हमला है तो छोटो पर है, हमला छोटो पर हमला। ये चिंकी है, ये इसको जानता होगा क्योंकि ये पहली बार आया था होगा। जब चिंकी तो आती जाती रहती है। मैडम की गाड़ी गई, पीछे पीछे ये भी खुश हो गया सबके साथ। अब डॉग्स जब सबके साथ होते हैं तो ना तो भौंकते ना कोई बात। अब इसका बेल्ट निकाल देते, कम यार, नो एरो, एरो दादागिरी का सोच रहा है। ये सब आगे की एरिया में रहेंगे आज।